यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला मृतकोत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया।